ब्लू बैलून आपी प्लीज हमारे साथ अपनी चूड़ियां शेयर कर दें। आपने चूड़ियां आपकी आर्टिफिशियल हैं, गोल्ड की हैं, और साथ में ये भी बहुत ज्यादा पूछते हैं कि आपने कहाँ से ली हैं। अच्छा ये जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं इमली की चटनी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही चटपटी और मजे की और खट्टी मीठी बनती है चटनी, तो वो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगी। और उसके बाद फिर ना स्प्रिंग रोल बनाएंगे, समोसे बनाएंगे और कबाब बनाएंगे, कोफ्ते बनाएंगे, मतलब हर चीज। जो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, आज आपके साथ नॉर्मल रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। अभी आपको मैं बच्चों का भी दिखाती हूँ, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले तो आप बहुत ज्यादा एक सवाल पूछते हैं कि आप ही प्लीज हमारे साथ अपनी चूड़ियां शेयर कर दें। आपने चूड़ियां आपकी आर्टिफिशियल हैं, गोल्ड की हैं, और साथ में ये भी बहुत ज्यादा पूछते हैं कि आपने कहाँ से ली हैं। अच्छा ये जी मेरी शादी की चूड़ियां, मैं सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ, ठीक है? इनका डिजाइन भी दिखा देती हूँ, ये तरह नजदीक से दिखा। ये देखें, इसका कोई इतना खास मतलब डिजाइन नहीं है, ये इसी तरह से बनी हुई है। अच्छा ये छह चूड़ियां हैं, और ये साथ में इसके मतलब ये थोड़े से मोटे ना इसके दो कड़े हैं, मतलब ये आठ बनती हैं। इकट्ठी एक हाथ में नहीं डालती हूँ क्योंकि ये फिर बहुत ज्यादा वजनी हो जाती हैं, तो फिर मैं ना मतलब कि एक हाथ में डालती हूँ ये सारी ना। अगर ये सारी अगर मिलाएं तो ये आठ तोले की हैं चूड़ियां, और ये गोल्ड की हैं, और ये मेरी शादी की हैं, ठीक है? नजदीक से आप इसकी मेकिंग चेक कर लें, ठीक है? मैंने कहा आपको सबसे पहले मैं ये दिखा दूं। और जी दूसरा सवाल बहुत ज्यादा ये आता है कि आप ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स कैसे ओपन होता है, हमें नहीं पता कि लिंक कैसे ओपन होता है, तो प्लीज हमें वो भी बता दें। तो मैंने कहा कि ना मैं ऐसे करती हूँ, वीडियो के अंदर ही आपके साथ छोटा सारा ना शेयर कर देती हूँ, ठीक? लास्ट वीडियो थी, ठीक है? ये जो एरो छोटा सा बना हुआ है ना, इसके ऊपर आपने ऐसे क्लिक करना है ना, तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाना है, ठीक है? ये नीचे जो मैंने लिंक लगाए हुए हैं, ये फेसबुक का लिंक है, ये इनकी वेबसाइट का लिंक है, ठीक है, चेतन प्योर का, ये जी इंस्टाग्राम का लिंक लगा हुआ है, और ये व्हाट्सएप का नंबर लिखा हुआ है, जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना वो साइट वहां से ओपन हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स यहाँ पे होता है, ठीक है? मैंने कहा मैं आपको बता देती हूँ, आप बार बार पूछ रहे होते हैं कि आप ही प्लीज हमारे साथ शेयर कर दें, हमें नहीं पता कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ से ओपन होता है, कहाँ से हमने ऑर्डर करने होते हैं, कहाँ से लिंक पता चलते हैं। ये जी सारे ये यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, ठीक है? और ये चिल्ड्रन प्योर के सारे नीचे लिंक दिए हुए, ठीक है? नजर आ रहे हैं आपको, यहाँ से आप वीडियो देख रहे होते हैं ना, साइट पे बना तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ये सारे नीचे जी लिंक आ गए, ठीक है? उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। चले जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ से ओपन होता है और कहाँ पे साइट होती है। जहाँ पे आप साइट को ओपन करेंगे ना, चाहे इंस्टाग्राम ओपन करेंगे, चाहे व्हाट्सएप ओपन करेंगे, तो आपका वहां से ओपन हो जाएगा, ठीक है? और आज ही मुझे जाना है बाजार, और मुझे वेजिटेबल वगैरह लेकर आनी है, थोड़ी सी ग्रोसरी करनी है। अच्छा, रमजान की तैयारियों के लिए जो मैंने वीडियोज बनानी है, तो इनशाला थोड़ी थोड़ी करके ना वीडियो, एक एक दो दो वीडियो करके आपके साथ शेयर करती जाऊंगी कि रमजान की जब मतलब रमजान आता है तो हम कौन सी तैयारियां, मैं कौन सी तैयारियां करके रखती हूँ, ठीक है? सारी तैयारियां इंशाल्लाह डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलें जी, आप ऐसे करती हूँ, सबसे पहले तो आपके साथ बच्चों का शेयर करती हूँ, और उसके बाद जी फिर मैं बाजार जाऊंगी, ठीक है? छोटे छोटे सारे क्लिप आपके साथ शेयर करूंगी, आप भी मेरे साथ रहिएगा। ये जी देखिए, आमना खेल रही है इधर अपना, और ये जी दोनों को शॉवर भी दिखे आज, और ये पास अभी आमना के, क्योंकि बाल जरा एक दिन के लिए जरा खुले छोड़ देती हूँ कि जरा बेचारी की हवा लग जाए, फिर आपको पता स्कूल जाना होता है तो फिर चुटिया और ऐसे पोनी बनानी होती है, ठीक है? ये साथ में लगा हुआ है, ऊपर एलईडी लगी है, आमना की पसंद की मूवी लगी हुई है, और ब्लू बैलून बहुत टोकी हो। अच्छा जी, साथ में मैंने कहा आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ये है जी ईशा ऑर्गेनिक की विटामिन सी डे एंड नाइट क्रीम, ठीक? ये मैं खुद यूज कर रही हूँ, डेली मॉइस्चराइजर है, आपकी ड्राई और डैमेज स्किन को हील करती है, और आपके डार्क सर्कल के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं,
पीछे इसकी सारी डिटेल, इसके सारे बेनिफिट्स इसके पीछे लिस्ट किए गए हैं, और इनमें दो दफ़ा आपने इसको लगाना है। इससे आपके दाग धब्बे बहुत अच्छे से जल्दी से रिमूव होते हैं, और आप इसको मेकअप से भी पहले लगा सकते हैं, सनब्लॉक लगाने से भी पहले लगा सकते हैं। ठीक है, ये मैं खुद यूज़ कर रही हूँ, इसको लगाने के बाद बिल्कुल ऐसी फीलिंग नहीं आती है कि आपने कोई ऑयली चीज़ अपने फेस के ऊपर अप्लाई की है। ठीक है, क्योंकि मेरी खुद ऑयली स्किन है। और ये जी ये है ईशा ऑर्गेनिक की ड्राई स्किन रिपेयरिंग फेस एंड बॉडी क्रीम। ये जी मुकदस यूज़ कर रही है क्योंकि उसकी आपको पता है कि फेस बहुत ज़्यादा मतलब कि स्किन ड्राई है। ये जी रिपेयर करती है आपकी ड्राई और डैमेज स्किन को, और आलमंड ऑयल और कोका बटर है इसके अंदर। अच्छा, डीप मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, नॉन ग्रीसी फार्मूला है इसका। बिल्कुल भी आप ये लगाने के बाद आपको नहीं लगेगा कि आपने अपने फेस के ऊपर कोई ऐसे वैसलीन या कोई ऑयल लगा लिया हो। इसके सारे बेनिफिट सब कुछ पीछे लिस्ट किया गया है, आपने इसको कैसे लगाना है। आपने अपने क्लीन फेस के ऊपर इसको जी अप्लाई करना है। दिन में 3 से 4 दफ़ा आप लगा सकते हैं। लगाने के बाद आपने थोड़ा सा अपने फेस के ऊपर कुछ मिनट के लिए आप मसाज भी कर सकते हैं। ठीक है, और मुकदस को तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। 175 मिलीलीटर की बॉटल है, एक्सपायरी डेट सब कुछ बताया गया है, और मेरी तरफ से तो जी जबरदस्त है। मलिक साहब भी आ चुके हैं और अब मुझे उनके साथ बाय जाना है, ग्रोसरी भी करनी है, वेजिटेबल वगैरह भी लेकर आनी है। तो अब ऐसे करती हूँ, उनके साथ जाऊंगी, वो चीजें वगैरह लेकर आऊंगी, सारे छोटे छोटे क्लिप आपके साथ शेयर करूंगी। कितनी वो सारी मोटी है। दूध दूध रोल पट्टी वो है इधर, रोल पट्टी है। अच्छा जी, तो जो सब्जी वगैरह और जो ग्रोसरी करने वाली थी वो मैं लेकर आ गई हूँ। अच्छा, मैंने इतनी ज्यादा ग्रोसरी और मतलब कि इस वेजिटेबल वगैरह सिर्फ वही लेकर आई हूँ कि जो मुझे ना रेसिपीज के लिए चाहिए थी, मतलब कि जो मुझे रमजान की मैं तैयारियां करनी है ना, फ्रीज करनी है जो चीजें, वो मैं लेकर आई हूँ। चले मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। ये जी देखे, ये सारी सब्जियां वगैरह, ये बीच में इब्राहिम का दूध भी पड़ा हुआ है तो ये भी खत्म हुआ था, ये भी लेकर आई हूँ। छोटी मोटी और भी चीजें जैसे ये ब्रेड वगैरह है, इस तरह की चीजें भी ले आई हूँ। अच्छा, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, स्प्रिंग रोल मुझे बनाने हैं, वो भी मैंने आपके साथ तो उसकी भी रेसिपी शेयर करूंगी। ठीक है, वैसे जो नॉर्मल घर में वेजिटेबल वगैरह चाहिए होती है वो भी मैं सारी ले आई हूँ। और जैसे कि नींबू पानी बनाना होता है उसके लिए मैं लेमन भी फ्रेश लेकर आई हूँ, ताकि मैं आपको बता दूँ कि आप लेमन को मतलब कि निचोड़ के तो इसका कैसे फ्रीज कर सकते हैं। और साथ में मटर वगैरह भी ले आई हूँ, जैसे कि ये चीज़ें हम फ्रीज कर सकते हैं। गाजर ले आई हूँ, ठीक है, टमाटर वगैरह ले आई हूँ, ये टमाटर को भी आप फ्रीज कर सकते हैं। आपको पता है रमजान में जितनी वेजिटेबल महंगी हो जाती है। ठीक, ये रोल पट्टी और समोसा पट्टी भी मैं ले आई हूँ, ये देख लें। और क्योंकि घर में बनाने में और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, फिर आपको पता है ये चीज़ें। और ये देखें, अच्छा जो इंशाल्लाह कल वीडियो आएगी ना, ये इमली मैं लेकर आई हूँ। ठीक है, ये देखें, इमली मैं लेकर आई हूँ, और इसकी मुझे बनानी है चटनी। जो ऐसे रोल और समोसे हम बनाते हैं ना घर में, तो साथ में इमली वाली चटनी चाहिए होती है, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। ठीक है, आप बाकी सारी चटनियाँ भूल जाएंगे, तो आप एक दफ़ा ये वाली रेसिपी बनाएंगे ना घर में, तो ये जी मैं बना के रखती हूँ। साथ में जैसे बिरयानी बनानी होती है, आलू बुखारा चाहिए होता है, तो इस तरह की सारी चीज़ें छोटी छोटी सी लेने वाली, वो मैंने कहा मैं एक दफ़ा ले लेती हूँ। और ये जी चाइनीज सॉल्ट भी है, ये जैसे स्प्रिंग रोल बनाने की रेसिपी, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं इमली की चटनी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही चटपटी और मजे की और खट्टी मीठी बनती है चटनी, तो वो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगी। और उसके बाद फिर ना
स्प्रिंग रोल बनाएंगे, समोसे बनाएंगे और कबाब बनाएंगे, कोफ्ते बनाएंगे, मतलब हर चीज जो जो होगी ना हमसे, मतलब मेरे से जितनी आपके साथ शेयर हो सकी ना, तो रमजान की तैयारियों के लिए मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी। ठीक है, तो चलें जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा। मिलूंगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।